हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बुरादा के साथ रंगोली कलर बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले हम किसी बर्तन में पानी लेंगे और उसमें हम फास्ट येलो कलर डाल देंगे। जिस जो भी कलर हमको चाहिए, हम उस कलर का हम स्टेनर लेके हम ऐसे पानी में उसको मिक्स करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं इसमें कलर डाल रहा हूँ, फिर अच्छी तरह इसको घोल रहा हूँ ताकि जो हमारा इसके अंदर मान लो कोई कलर गाढ़ा है वो जमा हो तो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। फिर हमने बुरादा लिया है, बुरादे में हम इसमें कलर्स जो हमने मिक्स किया था वो कलर इसके अंदर हम डालेंगे। ऐसे कलर डालने के बाद इसको हम धीरे धीरे हाथों से इनको मिक्स करेंगे। ऐसे ये जो हमारा कलर है, ये जो बुरादे है हमारा, ये इसको सोख लेगा। इसको अच्छी तरह से हम इसको मिलाएंगे। अगर हमारा इसके अंदर फिर भी कलर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम पड़ जाती है तो हम इसमें कलर और अच्छी तरह से इसमें डालेंगे और मिलाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये कलर बनके तैयार हो गया येलो। ऐसे ही हम दूसरे कलर का हम बुरादा कलर तैयार करेंगे। इसके अंदर हम अब ग्रीन स्टेनर डाल रहे हैं। इसको भी सेम मेथड से जैसे हमने उसके अंदर मिक्स किया था, ऐसे ही इसके अंदर भी हम मिक्स करेंगे और सेम मेथड से ही हम इसमें बुरादे में इसको डालेंगे। ऐसे डालने के बाद फिर हम इसको सेम मेथड जैसे पहले हमने मिक्स किया था वैसे इसको मिक्स कर रहे हैं। जैसे इसके अंदर हमारा जैसे थोड़ा लाइट दिखाई दे रहा है तो हमने इसमें और कलर डाल दिया। इसको हम जैसे कई बार थोड़ा थोड़ा कलर इसमें नहीं चढ़े तो हम इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये कलर बनके तैयार हो गया। ये भी ऐसे कलर जब हमारा बनके तैयार हो जाता है तो इसको हम धूप में सुखाते हैं। ऐसे ही सब कलर तैयार होने के बाद हम इनको धूप में सुखाएंगे। ऐसे ही हम ऑरेंज कलर बना रहे हैं। इसके अंदर आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके अंदर स्टेनर यूज़ कर रखे हैं, आप इसके अंदर जैसे फैब्रिक कलर आते हैं, एक्रेलिक कलर आते हैं या पोस्टर कलर वगैरह, वो भी इसके अंदर आप डाल सकते हो। और अच्छी तरह से मान लो फिक्स करना है इसमें हमने, तो इसके अंदर कुछ DDL वगैरह फेविकोल भी हम इसके कलर के अंदर डाल सकते हैं ताकि ये अच्छी तरह से और पकड़ करें। ये जैसे हम बाज़ार से कलर खरीदते हैं वो हमारे बहुत कलर महंगे पड़ते हैं और इसको हम आसानी से घर पे बना सकते हैं। जैसे सारे कलर तैयार होने के बाद इसको हम ऐसे कलर्स को सुखाएंगे। ऐसे धूप में सुखाने के बाद तो इस तरह से हमारे ये सारे कलर्स बनके तैयार हो जाते हैं, जो भी कलर हमको चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।